नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, शहर में लुटेरों के हौसले हुए फिर से बुलंद। साथियों, सिरसा में देर रात करीब 8 बजे के लगभग एक अज्ञात लुटेरे द्वारा दो महिलाओं से लाख रुपए के करीब दो फोन और 7,000 की नकदी से भरा पर्स छीनकर फरार हो चुके हैं। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आप सिरसा की आवाज के माध्यम से देख रहे हैं। साथियों, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। गुड़िया, क्या नाम है और क्या वारदात थी, क्या बात हुई थी? मेरा नाम झलक कामदार है। कल हम करीब 8 बजे के करीब गए थे मार्केट, छोटूरी हट्टी पे, मोटा मार्केट में। वहाँ से हम निकले तो हम मेरे चाचू की दुकान पे रुके थे 2 मिनट के लिए। उसके बाद वहाँ से वापस आए हैं, घर के गली के अंदर जस्ट एंटर किया, वहाँ पे जस्ट अभी स्कूटी रुकी भी नहीं, स्टैंड भी नहीं लगाया, तो एक पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, हेलमेट डाला हुआ था, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं दिखी। उसने हाथ से, मम्मी के हाथ से छीन के ले गया। उसके अंदर एक दो फ़ोन थे, एक फ़ोन पर्स के बाहर था, एक पर्स के अंदर था, एक आईफोन था, एक दूसरा फ़ोन था, 7,000 रुपये थे, वो खींच के ले गया। यहाँ की मैंने भी उसके पीछा किया सिविल हॉस्पिटल तक, तो वो मेरी नज़रों में था। उसके बाद आगे से गाड़ियाँ आ गई तो लाइटों करके फिर वो उज्जवल हो गया, बट पहले तो तब तक तो मैंने उसका पीछा किया। नंबर प्लेट उसकी ढंग से दिखी नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे कैमरे भी चेक किए गली में, लेकिन नंबर प्लेट विजिबल नहीं है अभी। उसके बाद आपने किनको सूचित किया गया आपकी तरफ से? घर आए तो पुलिस को फ़ोन किया, आसपास वाले मोहल्ले वाले आए, उन्होंने आगे SHO आए, फिर उन्होंने कंप्लेन की, रात को FIR हुई, साइबर सेल में सूचित किया। आज भी सुबह साइबर सेल वालों का फ़ोन भी आया हुआ, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी जो आईफोन है उसका नंबर भी ऑन है, अभी सुबह फ़ोन पे बेल गई है, अभी वो वही कर रहे हैं ट्रैकिंग, देखते हैं बाकी। और भी महिलाएं जो हैं वो शहर से बाजार की ओर निकलती हैं, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे भी उनके साथ आप जैसी वारदात ना हो? कोशिश करो कम से कम सामान अपने साथ लेके जाओ, या फिर अगर स्कूटी पे जा रहे हो तो अपनी डिग्गी में रखो सामान, हाथ में कैरी करना थोड़ा सा अवॉइड करो। ज़्यादातर शहर में वारदातें आपने देखी होंगी, आप पर्स स्नैचिंग के अलावा चैन स्नैचिंग वगैरह भी, घर बैठी महिलाओं से भी ऐसा कई वारदातें शहर में सुनने को मिली हैं, ये वारदात आपके साथ हुई है, तो आप एक ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो और महिलाओं को भी एक सबक मिले, ताकि वो भी जब बाज़ार निकले तो वो? जब तक हम लोगों की खबरें सुनते रहते हैं तब तक तो हमें लगता है कि किसी और के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमें भी ये चीज़ अभी कल ही रियलाइज़ हुई कि हमारे साथ भी हो गया। अब ऐसे इस चीज़ को सोच के थोड़ा पॉजिटिविटी से मतलब हिम्मत करके रहो, हमेशा अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना सीखो, अपना स्ट्रॉन्ग रहो। जैसे कल भी मैं पीछे गई थी उसके, तो अपना थोड़ा सा रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं अभी? उम्मीद तो यही है कि वो ट्रैक करेंगे फ़ोन और जाएंगे, वैसे तो साइबर सेल वाले अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो अब उनके हाथ में है। हुलिये की पहचान है आपको कि किस हुलिये में था जो स्नैचर था जो आपसे बैग छीन के लेके गया था? उसने ब्लैक कलर की जीन्स डाल रखी थी, येलो कलर की फुल स्लीव्स की टी शर्ट थी, और उसने एक ब्लैक कलर का साइड स्लिंग बैग सा डाल रखा था, और वो बैग एग्जैक्टली उसकी नंबर प्लेट के ऊपर आ रहा था, तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि कैमरे के अंदर वो बैग ही दिख रहा है, नंबर प्लेट दिख ही नहीं रही क्लियर। कुछ चेहरे की पहचान? चेहरे का तो कुछ था ही नहीं, बिकॉज उसने हेलमेट डाल रखा था ब्लैक कलर का पूरा, कुछ नहीं दिखा चेहरे का। पहले भी कभी ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि कोई आपका पीछा कर रहा है, या ऐसा कभी वारदात पहले कभी हुई? नहीं, आज तक तो कभी नहीं हुई। और यहाँ पे भी मेरे को पूरे रास्ते नहीं पता कि उसने फॉलो कर रहा है या कुछ भी है, मेरे को गली के अंदर एंटर करते मैंने बैक कैमरा में देखा रियर मिरर में, तब मेरे को दिखा कि हाँ वो गली के अंदर एंटर कर रहा है, तभी मैंने स्कूटी भी साइड में लगाई है कि मैं अंदर घर के अंदर स्कूटी रख दूँ कि ये टप जाए बाइक वाला, फिर मैं घर के अंदर रखूँ, और तब तक तो वो खींच के ही ले गया। क्या नाम है सर? SI कृष्ण कुमार। क्या मामला था सर, क्या कुछ? कल एक मोटरसाइकिल सवार ने एक पर्स छीन लिया जिसमें दो मोबाइल 7,000 रुपये के जी। और अभी क्या तफ्तीश में क्या कुछ अभी निकल गया? कैमरे वगैरह चेक करके उसके देख रहे हैं, कहीं पता चल जाए मोटरसाइकिल का नंबर सामने आ जाए या उसकी वगैरह की पहचान हो जाए, तो जिस रास्ते से लड़की आई थी स्कूटी लेके उस रास्ते के कैमरे चेक कर रहे हैं। शुक्रिया।